कई साइंस फिक्शन मूवीज में हमने कुछ हीरोज को डिसअपीयर होते हुए और यूनिवर्स के डिफरेंट पार्ट में रीअपीयर होते हुए देखा है। इसके अलावा टेलीपोर्टेशन का जिक्र हम अक्सर कई वीडियो, खबरों और मीडिया में पाते हैं, जैसे कि 2017 में कुछ चाइनीज साइंटिस्टों द्वारा एक फोटोन को सैटेलाइट पर टेलीपोर्ट करने की खबर आई। ये खबर आग की तरह फैल गई और कुछ लोगों ने यह भी सोचा कि टेलीपोर्टेशन जो मूवीज में दिखाया जाता है वो अब संभव हो गया है। मान लेते हैं कि टेलीपोर्टेशन संभव है और हम टेलीपोर्टर मशीन के जरिए यूनिवर्स के किसी भी कोने में टेलीपोर्ट हो सकते हैं, तो यहाँ एक सवाल उठता है। उदाहरण के लिए, आपको ट्रांसपोर्टर में रखा जाए टेलीपोर्टेशन के लिए, जब ट्रांसपोर्टर आपके शरीर में एटम्स को डिसमेंटल करके एटम्स की एक आइडेंटिकल अरेंजमेंट को कहीं और फिर से जोड़ता है, तो हो सकता है कि डिसअसेंबल किए गए आप एक्चुअल में मर जाते हैं और जो आप फिर से असेंबल होते हैं वो एक्चुअल में एक नया प्राणी होता है जो सिर्फ ये सोचता है कि ये आप हैं। और अगर उन्होंने आपके ओरिजिनल को डिसमेंटल नहीं किया हो तो अब यूनिवर्स में आप दो हैं। तो अब एक्चुअल में आप कौन से हैं, ओरिजिनल आप या टेलीपोर्ट किए गए आप? वीडियो में एंड तक बने रहें क्योंकि आप टेलीपोर्टेशन के बारे में पूरी सच्चाई जानने वाले हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंफोसियस चैनल में। टेलीपोर्टेशन क्या है? टेलीपोर्टेशन मैटर या एनर्जी को उनके बीच के फिजिकल स्पेस को पार किए बिना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करने को कहते हैं। सवाल यह है कि साइंस किस प्रकार के टेलीपोर्टेशन को सजेस्ट करता है। अगर हम देखें तो साइंटिफिकली कोई नॉन फिजिकल मैकेनिज्म नहीं है जो टेलीपोर्टेशन को पॉसिबल बनाता है। ये जो टेलीपोर्टेशन वर्ड जो अक्सर साइंटिफिक पेपर्स और मीडिया आर्टिकल्स में पब्लिश होता है वो दरअसल क्वांटम टेलीपोर्टेशन का जिक्र करते हैं। तो आइए क्वांटम टेलीपोर्टेशन की कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में समझते हैं। इमेजिन करें कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जिसे आप किसी को भेजना चाहते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट को फिजिकली भेजने के बजाय आप उसमें मौजूद इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली भेजने जा रहे हैं, जैसे कि हम फैक्स करते हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन भी इसी तरह काम करता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के बजाय हम सबसे छोटे लेवल पर पार्टिकल्स के इन्फॉर्मेशन से डील कर रहे हैं। सबसे पहले आइए बात करें कि क्वांटम दुनिया में इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करते हैं। क्वांटम सिस्टम में इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक एटम को बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि वे सुपरपोजिशन नामक स्टेट में मौजूद होते हैं जहां वे एक साथ कई स्टेट पर होते हैं। ये थोड़ा दिमाग चकरा देने वाली बात है, लेकिन इसे इस तरह से सोचें, जब तक आप एक इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हैं ऐसा लगता है कि ये एक ही समय में हर जगह है और कहीं नहीं है। इस आइडिया को इरविन श्रोडिंगर के थॉट एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रसिद्ध रूप से इलस्ट्रेट किया गया था, जिसमें एक बॉक्स में एक बिल्ली शामिल थी, वहां एक राक्षसी मशीन भी है जो कुछ परिस्थितियों में इस जानवर को मार डालेगी या फिर नहीं। जब तक आप बॉक्स को खोलते और देखते नहीं हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार बिल्ली एक साथ जीवित और मृत दोनों हैं। यदि बॉक्स खोला जाता है तो एक्सपेरिमेंटर केवल एक स्पेसिफिक स्टेट को देख सकता है, या बिल्ली मर गई है या बिल्ली जिंदा है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली सिस्टम मिक्सचर ऑफ स्टेट्स बनना बंद कर देता है और जब ऑब्जर्वेशन होता है तो ये उनमें से एक को चुनता है। वैज्ञानिकों को अभी तक इस फिनोमिनन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है, हालांकि इसकी एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन पहले ही हो चुकी है। अब इलेक्ट्रॉन्स के एक और विचित्र व्यवहार को एंटेंगलमेंट कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं तो वे एक अजीब तरीके से जुड़ जाते हैं। भले ही आप इन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर दें और उन्हें दूर दूर भेज दें, फिर भी वे जुड़े रहेंगे। ये कुछ ऐसा है जैसे उनका एक दूसरे के साथ टेलीपैथिक लिंक हो। जब कोई चीज एक इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करती है तो दूसरा तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, चाहे उनके बीच की दूरी कोई भी हो। इस अजीब घटना ने आइंस्टाइन, पोडोल्स्की और रोसेन सहित वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया, जिन्होंने इसे एक पैराडॉक्स कहा, क्योंकि यह इस विचार का उल्लंघन करता है कि कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चल सकती। इसलिए क्वांटम टेलीपोर्टेशन में हम इस एंटेंगलमेंट का लाभ उठाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं जो एंटेंगल्ड हैं। अगर हम उनमें से किसी एक के बारे में कुछ बदलते हैं, जैसे कि उसका स्पिन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन तुरंत उस चेंज को रिफ्लेक्ट करेगा, भले ही वह यूनिवर्स के दूसरी तरफ हो। यह हमें इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने की अनुमति देता है, जहां एक्चुअल पार्टिकल स्वयं ट्रांसमिट नहीं होते हैं, बल्कि उनकी स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन का इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर होता है। यह कुछ ऐसा है मानो हम लाइट की स्पीड से भी तेज गति से मैसेज भेज रहे हैं। हालांकि यह साइंस फिक्शन की तरह लग सकता है,
क्वांटम टेलीपोर्टेशन की एक्सपेरिमेंटल कंफर्मेशन पहले ही हो चुकी है। ये क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब और अद्भुत दुनिया की एक आकर्षक झलक है, जहां चीजें इस तरह से बिहेव करती है जो हमारे रोजमर्रा के अंतर्ज्ञान को चुनौती देती है। 1983 में फ्रेंच फिजिसिस्ट एलाइन एस्पेक्ट ने फोटॉन्स के साथ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके पैराडॉक्स को टेस्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने कंफर्म किया कि एंटेंगल्ड पेयर्स के बीच इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड से भी तेज गति से ट्रांसमिट होती है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये रैंडम और यूजलेस है। हालांकि 10 साल बाद वैज्ञानिकों ने तीसरे फोटोन को एंटेंगल पेयर से जोड़कर इस प्रोसेस को कंट्रोल करने का एक तरीका ढूंढ लिया और वे इंडिविजुअल फोटॉन्स को टेलीपोर्ट करने में सक्षम हो गए। आइए समझते हैं कि ये सब कैसे हुआ। क्वांटम कंप्यूटिंग और टेलीपोर्टेशन में हम क्यूबिट नामक चीज को यूज करते हैं, जो कि रेगुलर कंप्यूटर में हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले बिट्स की तरह है। हालांकि क्यूबिट स्पेशल है क्योंकि वे एक ही समय में 0 और 1 दोनों स्टेट में हो सकते हैं, रेगुलर बिट्स के विपरीत जो केवल एक वैल्यू रख सकते हैं। क्यूबिट्स की ये यूनिक फीचर क्वांटम कंप्यूटर्स को आज हमारे द्वारा यूज किए जाने वाले रेगुलर कंप्यूटर्स की तुलना में बहुत फास्ट बनाती है। और अब क्वांटम टेलीपोर्टेशन को समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। दो लोग एलेक्स और बॉब, जिसमें एलेक्स पृथ्वी पर है और बॉब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर है, एलेक्स बॉब को फोटोन सी नामक पार्टिकल भेजना चाहता है। ऐसा करने के लिए उन्हें एंटेंगल्ड पार्टिकल्स की एक पेयर की आवश्यकता है, जिन्हें हम ए और बी कहेंगे। एलेक्स एक पार्टिकल ए को पृथ्वी पर अपने साथ रखता है और दूसरा पार्टिकल बी बॉब के पास ISS में होता है। चूंकि दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, चाहे उनके बीच की दूरी कितनी भी हो, मेजरमेंट के बाद यदि उनमें से एक पार्टिकल अपस्टेट होगी तो दूसरा डाउनस्टेट होगी। चूंकि हम क्वांटम पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की निगरानी नहीं कर सकते। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार जब तक क्वांटम पार्टिकल्स को मेजर नहीं किया जाता, तब तक वे अपने सभी पॉसिबल स्टेट्स में बने रहते हैं, जिसे सुपरपोजिशन स्टेट भी कहा जाता है। सुपरपोजिशन हमें बताता है कि क्वांटम पार्टिकल्स अपनी सभी पॉसिबल स्टेट्स में हो सकते हैं जब तक कि कोई उन्हें देख ना ले। लेकिन जैसे ही हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनकी वेव फंक्शंस कोलैप्स हो जाती है और इसकी पॉसिबल स्टेट्स में से केवल एक ही हमारे पास रह जाती है। इसका मतलब यह है कि बॉक्स खुलने तक श्रोडिंगर की बिल्ली मृत और जीवित दोनों हैं। यहाँ एलेक्स और बॉब के केस पर भी पार्टिकल्स एक साथ अपस्टेट और डाउनस्टेट दोनों अवस्था में रहते हैं, और जैसे ही वो उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उनकी वेव फंक्शंस कोलैप्स हो जाती है और उन्हें या तो अपस्टेट या डाउनस्टेट दोनों में से एक स्टेट देखने को मिलता है। जब तक एलेक्स दोनों फोटॉन्स ए और सी को मेजर नहीं करता, तब तक वे सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं, और जब वो ए और सी दोनों को अलग अलग मेजर करता है, तो उनका वेव फंक्शंस कोलैप्स हो जाने के कारण दोनों फोटोन एक डेफिनेट स्टेट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से फोटोन को स्पेस में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो उन्हें इंडिविजुअली मेजर करने के बजाय उनकी कंबाइंड स्टेट को मेजर करता है, और इस मेजरमेंट को बल मेजरमेंट कहा जाता है। अब जब वो ए और सी को कंबाइंड स्टेट में मेजर करता है, तो फोटोन ए फोटोन सी के साथ इंटरैक्ट करता है, और चूंकि फोटोन ए पहले से ही फोटोन बी से एंटेंगल्ड है, इसलिए फोटोन सी की क्वांटम इन्फॉर्मेशन फोटोन ए के माध्यम से फोटोन बी में ट्रांसफर हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों पार्टिकल्स पहले से ही एंटेंगल्ड थे और एक पार्टिकल में कोई भी परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन लाएगा। हालांकि बॉब अभी भी इस बात से अनजान है कि उसे एलेक्स के पास मौजूद पार्टिकल सी की क्वांटम इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है, इसलिए वो अभी भी मैनिपुलेशन से फोटोन नहीं बना सकता है। इसलिए एलेक्स को उसे बताने के लिए ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन मेथड के जरिए संपर्क करना होगा और उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताना होगा, और एलेक्स उन्हें ये क्यूबिट इन्फॉर्मेशन भेजेगा। अब फोटोन बी जो बॉब के पास है, उसके पास फोटोन सी की क्वांटम इन्फॉर्मेशन है, और इसमें मैनिपुलेशन करके बॉब फोटोन सी का एक परफेक्ट क्लोन बना सकता है, और इसके बाद फोटोन ए और बी का एंटेंगलमेंट टूट जाता है और बी के पास सी का क्वांटम स्टेट होती है, और हम कह सकते हैं कि हमने क्वांटम सी को पृथ्वी से ISS तक टेलीपोर्ट किया है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि एलेक्स के पास अभी भी दोनों पार्टिकल्स हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमने फोटोन सी को स्पेस में टेलीपोर्ट किया है? नो क्लोनिंग और नो डिलीटिंग प्रिंसिपल के अनुसार, जिसको हमने पहले मेंशन किया था, जैसे ही बॉब अपने पास मौजूद फोटोन में मैनिपुलेट करता है और फोटोन सी की क्वांटम स्टेट को उसमें से एक्सट्रैक्ट करता है, इनिशियल पार्टिकल की क्वांटम स्टेट एक डिफरेंट और यूनिक स्टेट में बदल जाती है। सी अब बदल गया है,
और इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगे, क्योंकि इसकी सभी इनिशियल प्रॉपर्टीज बॉब को ट्रांसफर कर दी गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने पार्टिकल को अर्थ से ISS तक सक्सेसफुली टेलीपोर्ट कर दिया है। इस मेथड को अपनाकर 2006 में वियना के रिसर्चर्स की एक टीम ने डेन्यूब के पार 600 मीटर की दूरी तक सीजियम गैस को टेलीपोर्ट किया। एक साल बाद US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क्स के माध्यम से फोटोन को टेलीपोर्ट करने में कामयाब रहे। इस बार पार्टिकल को 100 किलोमीटर दूर टेलीपोर्ट किया गया। और 2017 में चीनी वैज्ञानिकों ने पहली बार एक फोटोन को स्पेस में 500 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में एक सैटेलाइट तक टेलीपोर्ट किया। ऐसा करने के लिए रिसर्चर्स को 900 से अधिक पार्टिकल्स को सफलतापूर्वक एंटेंगल करने के लिए 10 लाख से अधिक प्रयास करने पड़े। क्वांटम रिपीटर्स के बदौलत इतनी बड़ी दूरी को पार करना संभव हो सका। ये ऐसे ट्रांसमिशन स्टेशन है जो स्पीड को कम नहीं होने देते और फोटॉन्स को नष्ट नहीं होने देते। IBM और गूगल जैसे हाईटेक कंपनीज पहले से ही सुपर डिवाइसेस के निर्माण में कम्पीट कर रहे हैं। फ्यूचर में जब क्वांटम कंप्यूटर में सुधार होगा तो वैज्ञानिक उनका उपयोग टेलीपोर्टेशन में करना चाहेंगे। वे पूरे मानव शरीर को क्वांटम लेवल पर स्कैन करने में मदद करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये सब इतना आसान है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे शरीर में एटम्स और पार्टिकल्स की एक अनथिंकेबल संख्या है। यहाँ तक कि ई कोली के बैक्टीरियम में भी 90 बिलियन एटम्स होते हैं। तो मानव शरीर की बात किया जाए तो उसमें कम से कम 7 ऑक्टिलियन एटम्स होते हैं, यानी 7 followed by 27 zero। ये ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में जितने स्टार्स हैं उनसे कहीं ज्यादा हैं, जो कि 260 है। और ह्यूमन को टेलीपोर्ट करना है तो हर एक एटम्स को टेलीपोर्ट करना होगा। यदि आपकी सेल्स को डेटा में कन्वर्ट करें तो वो लगभग 2.6 × 10^42 बिट्स के बराबर होती है। ये बहुत ही ज्यादा है। यूनिवर्सिटी ऑफ लिसेस्टर में उन्होंने इसके लिए रिक्वायर्ड कंप्यूटिंग पावर की कैलकुलेशन की। 30 गीगाहर्ट्ज की बीमिंग स्पीड के साथ जो मास को ट्रांसपोर्ट करने के लिए मैक्सिमम अवेलेबल पावर को यूज करके प्राप्त की जाने वाली हाईएस्ट स्पीड है, स्टूडेंट्स ने कैलकुलेशन की कि एक मानव को ऑर्बिट तक टेलीपोर्ट करने में लगभग 4.85 क्वाड्रिलियन ईयर्स लगेंगे। यानी इस प्रक्रिया में ब्रह्मांड के अस्तित्व से लगभग 3.5 लाख गुना अधिक समय लगेगा। इससे तो बेहतर है पैदल चले जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इस फिनोमिनन को यूज करना पूरी तरह से अलग चुनौती प्रस्तुत करता है। ह्यूमन स्केल पर इसे पूरा करने के लिए आपको ना केवल क्वांटम स्टेट को फिर से बनाना होगा बल्कि प्रत्येक एटम्स का एग्जैक्ट लोकेशंस भी बनाना होगा। क्वांटम टेलीपोर्टेशन एक्चुअली मास को टेलीपोर्ट नहीं कर रहा है बल्कि यह उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है जो मैटर में एनकोड किया गया है। सो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में टेलीपोर्टेशन अचीव करना पॉसिबल है? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। क्या टाइप 2 सिविलाइजेशन टेलीपोर्टेशन अचीव कर सकता है? जानने के लिए ये वीडियो जरूर देखें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।